पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है, वेरी डेंस फॉग की विजिबिलिटी जो है 50 मीटर से कम रही है, तीन जगह पर ऑब्जर्व की गई जिसमें खुर्दा, ढेंकनाल और चांदमली डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा जो डेंस फॉग है वो छह जगह पे कटक, राउरकेला, भवानी, भुवनेश्वर, अनुगुल, केंद्रपाड़ा और फुलवानी में हुई है। शैलो टू मॉडरेट फॉग सात जगह पर ऑब्जर्व की गई है, जैसे पुरी, गोपालपुर, झारसुगुड़ा, पारादीप, जयसिंहपुर, भवानी पटना और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। के अलावा लोएस्ट मिनिमम तापमान जो प्लेन स्टेशन में फुलवानी में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जी उदयगिरी जो कि एमएफयू हिल स्टेशन है वहां पे 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 17.2 और कटक में भी 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जो मिनिमम तापमान नाइट टेम्परेचर जो है अभी भी पूरे उड़ीसा के लिए अभी भी अबव नॉर्मल जो सामान्य से चल रहे हैं। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह अगले 7 दिन तक ड्राई वेदर रहने की संभावना है। डे वन यानी कि आज शैलो टू मॉडरेट फॉग दिया गया है कुछ कुछ स्थानों पे कोस्टल उड़ीसा में और नॉर्थ इंडियन उड़ीसा में, एक दो स्थान पे साउथ इंडियन उड़ीसा में पड़ेगा। इसी प्रकार 12 तारीख की सुबह यानी कि कोस्टल उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पे और इंटीरियर उड़ीसा में एक दो स्थान पे शैलो टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। अगर बात करें डे वन में तो आज जो है डे वन में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़, केंद्रझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकनाल और जो आपका कोस्टल उड़ीसा उसके साथ कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट में डेंस फॉग के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई। ये 11 तारीख की सुबह में होने की संभावना है। इसी प्रकार डे टू यानी कि 12 तारीख की सुबह में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केंद्रझर, अनुगुल, ढेंकनाल, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी, बोलांगी, रायगढ़, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में भी येलो वार्निंग दी गई है डेंस फॉग होने के लिए एक दो स्थानों पर। नाइट टेम्परेचर की बात करें इसके फोरकास्ट में तो अभी अगले दो दिन तक रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कई जगह पर फॉल करने की संभावना है। अगर बात करें भुवनेश्वर और कटक की तो वहां भी 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा रात का और डेंस फॉग होने की संभावना है।